खोजी अंकल, आपने सुबह सुबह हमें बुला लिया, ऐसी क्या बात हो गई? ओए खोजी सिंह जी ने कोई नई खोज की होगी और क्या। अरे पहले बैठ तो जाओ। ओ जी चलो जी। छू मंतर कहाँ गई? अभी आ जाएगी। ये लो सब अपनी जगह। ओए वाह खोजी सिंह जी, क्या कमाल की गन बनाई है। क्या इससे कोई भी चीज गायब हो जाएगी? अरे चाचू, चीज गायब नहीं, टेलीपोर्ट हो रही है। सही कहा भतीजे। और हाँ चाचे, कोई भी चीज टेलीपोर्ट हो सकती है, बस इस गन में लोकेशन मेंशन कर दो, चीज वहाँ टेलीपोर्ट हो जाती है। ओए, इसका मतलब मैं अपने आप को घर से ऑफिस टेलीपोर्ट कर सकता हूँ और मैं कभी लेट नहीं होऊंगा और पल्ला जी को मेरी सैलरी काटने का मौका नहीं मिलेगा। संभल कर चाचू, गलत इस्तेमाल मत कर लेना इस गन का। ओ मैडम जी आप टेंशन मत लो। ओए तो रख जा बदमाश। और चेक कर लीजिए मैडम जी। शुक्रिया जी। ओ मेंशन नॉट जी। जंगल में नाश्ता मोर और शहर में चालाक चोर किसी के पकड़ में नहीं आता। एक्सक्यूज मी सर, ये क्या है? ओए ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं, टेलीपोर्ट गन है। क्या कहा? टेलीफोन? ओए टेलीफोन नहीं, टेलीपोर्ट। इससे कोई भी चीज आप एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो। ऐसे कैसे, मैं नहीं मानता। क्यों, तुमको विश्वास नहीं हो रहा? सर इसको गायब करके दिखाओ। अच्छा आईना है, पल्ला जी को गिफ्ट कर दूंगा। यस यस यस। गुड मॉर्निंग पल्ला जी, और देख लो जी आज मैं टाइम पे आ गया। चाचे। ओह, मेरा हार कहाँ गायब हो गया? और सुना पम्मी, थोड़ा की हाल है? ढाबा शाबा ठीक है? ओए, मेरा ट्रक गायब हो गया। अब मैं कौन सी गड्डी चलाऊं? वो गड्डी में मेरा सारा सामान क्या कर रही है? बावड़ी पूछ, भैंस की पूछ, और दिन दहाड़े चोरी हो रही है फंटूष नगर में। और यो के हो रहा है? और बहादुर जीप निकाल। इमरजेंसी। चाचा भतीजा, दिन दहाड़े चोरी हो रही से। ये चोरियां खोजी अंकल की गन से हो रही है। रखो जी कुछ अच्छा आविष्कार कर रहे, और छोड़ ये क्या बेकार चीजें बनाता रहता है, और फिर हमारा काम बढ़ जाता है। रुक जा, तन्ने अब भी बताती हूँ। रुक जा खोजी। अरे मैंने तो ये गन अच्छे काम के लिए बनाई थी, मगर और तू नीचे आ, तुझे मगरमच्छ को खिला देती हूँ। अरे मैंने नहीं, चाचा ने गन खो दी, मैं क्या करूँ? खोजी सिंह जी मैं तो उसे सिर्फ टेस्ट कर रहा था, ओए मुझे क्या पता कोई उसे चुरा लेगा। रुक जाओ, ये बतन्ने मैं टेस्ट करवाती हूँ, रुक जाओ। बंदूकनी जी प्लीज आप रुक जाइए। मैं कहाँ हूँ? खोजी अंकल, क्या आप गन को ट्रैक कर सकते हैं? जब भी गन एक्टिवेट होती है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर सकते हैं तो हमें गन की लोकेशन भी पता चल जाएगी। सही सोचा भतीजे, भतीजे की सोच और खोजी की खोज का कोई जवाब नहीं।
मेरे पास मैग्नेट सेंसर है, इससे पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड किधर क्रिएट हो रहा है। ये भी मेरा है। ओए चलाक चोर तू, वो गन मुझे दे दे वापस। नहीं चाचू। अरे चाचे किधर गया? जंगल में नाश्ता मोर और शहर में चालाक चोर किसी की पकड़ में नहीं आता। मुझे बचाओ, मुझे नहीं गिरना। अरे आराम से, बहादुर अंकल आप मुझे भी गिरा दोगे। किधर टेलीपोर्ट कर दिया इस चालाक चोर ने हमें। हेलो, आप कहाँ हो चाचू? वो पता नहीं, काफी अंधेरा है यहाँ, कोई बड़ा सा वेयर हाउस लग रहा है। हुई ये क्या हुई, यहाँ तो बंदूकनी जी की जीप भी है। खोजी को फिर से ट्रैक करने को बोलते हैं। कोई फायदा नहीं, अगर हम चालाक चोर के सामने जाएंगे तो वो फिर से हमें टेलीपोर्ट कर देगा। अरे तो फिर क्या करें? हमें उसे उसके वेयर हाउस में ही पकड़ना पड़ेगा। और लेकिन भतीजे, चाचे का फोन ही नहीं लग रहा सर, तो पता कैसे चलेगा कि वेयर हाउस कहाँ है? बंदूकनी जी जरा पता तो कीजिए, चोरी कहाँ नहीं हुई है? ओ भतीजे, इब तो बस फंटूष नगर की बैंक ही बची है। ये क्या? चालाक चोर, तू है सबसे चालाक और अब बन गया है सबसे धनी भी। खोजी की खोज का कोई जवाब नहीं, मेरे ट्रैकिंग डिवाइसेस से पता चल गया कि लॉकर यहाँ पर टेलीपोर्ट हुआ है। और चुप कर खोजी, तेरी खोजी गन की वजह से ये सब हुआ है। चालू हो जा। चाचू आप ठीक तो हो? ओए भतीजे के होते चाचा को कुछ हो सकता है क्या? ओ मेंशन नॉट जी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। लगता है बैटरी खत्म हो गई। मैडम जी, इसे मैं जीप में डाल दूं? और कोई जरूरत नहीं है। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा? हाँ भतीजा। अरे चाचे, अगर रात को तू उन्हें पकड़ लेता तो यो ना होता। ओए बंदूकनी जी, मुझे तो लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ। चाचू, जो होना था वो हो गया, लेकिन बंदूकनी जी, इसके पहले कि कुछ गलत हो जाए, हमें इस हैट चोर को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। मन मौजे करता है खोज और उड़ाता है मौज, आज बनेगा भतीजा हीरो से विलन।
लेकिन मनमौजी भाई, भतीजे की हैट चुराने से भतीजा कैसे विलन बनेगा? मैंने इसमें चिप लगा दी है, अब देखना इस चिप का कमाल। जाओ ये चिप लेके बंदूकनी के सामने से भागो ताकि वो तुम्हें पकड़ ले। अरे भाई, अगर पकड़वाना ही था तो चोरी क्यों करवाई? भतीजे, इसका तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। अब तुम तैयार हो जाओ विलन नंबर वन बनने के लिए। मजा आ गया। तो ये है मेरी हैट का चोर, वो भाग रहा है। चाचू पीछा करो। मनमौजी भाई, सब दिख रहा है? सब कुछ दिख रहा है, अब तुम कुछ मत करो। मैं यहाँ से करूँगा भतीजे की हैट ऑपरेट। ताजे खरबूज है बावड़ी, बूझ भैंस की पूछो भतीजे, तेरा हैटी भारी पड़ रहा सा है। चाचू, अब तो स्कूटर का कमाल दिखाने का वक्त आ गया है। कुछ कर चाचे। ओए चिच्चे, हैट से कुछ निकालो। ढोल की हैट को मैं नहीं, मनमौजी ऑपरेट कर रहा है। वो रहे। अरे तू कहाँ जा रहा था? रुक जा, डंका तन्ने में छोड़ूंगी नहीं। जितना भी जोर लगा लो, लेकिन हैट तभी निकलेगी जब मैं चाहूंगा। ये लो। अच्छा हुआ पकड़े गए, नाक में दम करके रखा था इन्होंने। अब छोड़ना नहीं इन दोनों को। अरे बंदूकनी जी, आपका एक फोटो तो लेने दीजिए। मैडम जी, स्माइल प्लीज। अरे मैडम, पहले फेस तो वॉश कर लो। अरे भतीजे, यो क्या कर रहा से? अब पता नहीं बंदूकनी जी, मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर भी ये सब कैसे हो गया? ओ कोई बात नहीं बंदूकनी जी, आपका चेहरा तो और भी निखर रहा है। आप फोटो निकालो। ठीक है। क्यों कर रहे हैं भतीजे? पता नहीं चाचू क्या हो रहा है। बावड़ी बूझ भैंस की पूछ, और भतीजे यो के मजाक लगा रखा से है? ओए भतीजे, ओए अपने चाचू को ही मुक्का। चाचू पता नहीं कैसे, लेकिन ये सब मैं नहीं कर रहा हूँ, और ये हैट मेरे सिर से निकल भी नहीं रही। अरे भतीजे, बंदूकनी का मुंह तो काला कर दिया, अब इन लोगों को भी मजा चखा दो। ओए क्या बकवास कर रहे हो? वाह बॉस, मजा आ गया। उन लोगों ने हमें मारा और आपने उनको मारा, वाह बहुत मजा आ गया। देखिए आप लोगों को गलत फहमी हो रही है, भला मैं आप लोगों को तकलीफ क्यों दूंगा? अरे लगता है ये वीन के साथ मिला हुआ है। अरे भाई रुको, कोई मुझे चक्कर आ रहा है। अरे बंदूकनी जी, आप देख क्या रही हैं? इस भतीजे को भी इनके साथ जेल में बंद कर दीजिए। हाँ। चाचे, और मन ने अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा सा। और बंदूकनी जी, मुझे तो अपने आप से ज्यादा भतीजे पे विश्वास है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। थैंक यू भतीजे, अब हमें भी इनके चुंगल से छुड़ा दो। और डंका अंकल, भला मैं ऐसा क्यों करूँगा?
अरे ये भतीजा तो पक्का चोरों के साथ मिला है। भतीजे को पकड़ो उससे पहले कि वो छुड़ा ले उन्हें। पकड़ो उसे। रुक जाओ भतीजे, भागते कहाँ हो? रे चाचे, वो लगता है भतीजे के दिमाग में कोई केमिकल गड़बड़ हो गई से। ओ मैं कह रहा हूँ बंदूकनी जी, मुझे तो लगता है कि दिमाग में नहीं, भतीजे के हैट में कुछ केमिकल गड़बड़ हो गई है। हेलो मेरे भाई खोजी, बस तुम्हारा ही इंतजार था। खोजी अंकल, पास बताइए। खोजी अंकल, मैंने कहा था ना पास बताइए। कोई नहीं भतीजे, लेकिन पास नहीं आता तो कैसे पता चलता कि हेड पे कैमरा लगा हुआ है और वो ट्रैक किया जा सकता है। हाँ, और इसे कोई और रिमोट से ऑपरेट कर रहा है। वैसे दोनों हो बड़े समझदार, लेकिन मनमौजी के सामने हो गए ना बेकार। बिल्कुल सही कहा, और ये है तो वही निकाल सकता है जिसके पास रिमोट है। ओए भतीजे, ओए तू फिकर नॉट, हो जाएगा, हम इस शैतानी टोपी को निकाल के ही रहेंगे। कुछ तो करना पड़ेगा। आइडिया, अब हम कैमरा से देखने वाले को फंसाएंगे। मैं एक फोटो कैमरे के सामने चिपकाऊंगा और फिर उसके बाद सिर्फ इशारों में बात करेंगे। खोजी अंकल, चाचू, मेरे सिर में सैट की वजह से बहुत दर्द हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ थोड़ी देर सो जाता हूँ और आप लोग सोचिए कि कैसे ये हैट निकाली जा सकती है, ठीक है? ओए 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 भतीजे, ओए संभल के, ओए गिर गया तू, ओए 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 तुझे लगी तो नहीं? भतीजे मनमौजी से चालाकी कर रहा है। डंका ढोलकी तैयार रहना, मेहमान आने वाले हैं। स्वागत करो उनका। मनमौजी करता है खोज और उड़ाता है मौज, तुम लोग क्या कर लोगे? तुम्हारा बॉस भतीजा तो मेरे इस रिमोट में कैद है। छोड़ मन्ने। क्यों, खा गए ना चकमा? जाओ पहले अपना मुंह धो के आओ। अब तुम मेरे हेड से बच के दिखाओ। ये ग्लव तो मेटल का है। रुक जाओ। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा? हाँ भतीजा। नगर में है दो मत वाले, दिखते हैं भोले भाले पर है ये हिम्मत वाले। सब चोर चक्के इनके नाम से काफे,
मजा लेने का होगा बुरा नतीजा, बड़े बड़ों की चुप्पी कर दे चाचा और भतीजा। चाचा और भतीजा, चाचा और भतीजा, चाचा और भतीजा।